पेज नंबर 78 निकालिए ग्रामर में। हम सभी इससे पहले चैप्टर 18 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 19 शुरू कर रहे हैं ग्रामर में, पेज नंबर 78। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कभी भी एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे टेल अस मोर अबाउट नाउंस। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है और ये हमें नाउंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। दे डिस्क्राइब नाउंस, पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये क्या करते हैं, तो मनुष्य को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, किसी जानवर को और किसी वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं। वी समटाइम्स यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। कभी कभार हम इन एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, जगह, किसी जानवर या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कंपैरिजन के लिए, अंतर बताने के लिए। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर टू और मोर नाउंस। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वैसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि दो या दो से अधिक नाउन के बीच अंतर को बताते हैं, कंपेयर किया जाता है। देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरिजन इज मेड, ठीक है। यहाँ पर कोई कंपैरिजन
नहीं बनता है. लाइक दिस सैक ऑफ फ्लोर इज हैवी, यह गेहूं का बोरा बहुत भारी है. तो यहाँ पर क्या है कि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू पर्सन्स प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स. वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन अ नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर नाउन, जब एक नाम को दूसरे नाम यानी कि दो वस्तु के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं, दो नाउन्स के बीच में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. जैसे सैक बी इज हैवियर देन सैक ए, ठीक है, यानी कि बी बोरा नंबर बी जो है वो सैक ए से भारी है. ठीक है, ये हो गया दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन, टू नाउन्स के बीच कंपैरिजन. अब आती है सुपरलेटिव डिग्री. वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन थ्री और मोर नाउन्स आर कॉम्पिटेड कंपेयर. ठीक है, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर दो से अधिक नाउन्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है. जैसे सैक सी इज द हेवीएस्ट ऑफ द थ्री सैक्स, तीनों बोरा में सैक सी जो है बोरा नंबर सी यह सबसे भारी है. ठीक है, तो ये था इसके बारे में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में. अब आइए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके बारे में कुछ रूल्स को जानें. स्टडी दिस टेबल टू लर्न द रूल्स टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आइए इस टेबल को पढ़ें ताकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जान सकें. रूल्स, द फर्स्ट वन, फॉर मोस्ट एडजेक्टिव, अधिकांश एडजेक्टिव में क्या होता है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय हम उसमें सिर्फ ER और EST जोड़ते हैं. जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है, थिन, थिनर, थिनेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं. दूसरा रूल है फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ई, अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ई लगा हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें सिर्फ आर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ एसटी. ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया है कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में अगर ई लगा हुआ हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ उसमें आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी ऐड किया जाएगा. ठीक है, जैसे सीधा एग्जांपल, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. ठीक है, इस तरह से. उसके बाद नेक्स्ट रूल, फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उससे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो, ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में, वाई को हटा के आई ई आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में आई ई एस टी ऐड करेंगे. ठीक है, वाई हटा के आई ई एस टी. सीधा एग्जाम्पल, ईजी, ईजियर, वाई हटा के आई ई आर, फिर वाई हटा करके सुपरलेटिव में आई ई एस टी. ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट. नेक्स्ट इज फॉर एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड, किसी भी
एडजेक्टिव्स के अंत में हाँ वैसे एडजेक्टिव्स जो कि एक ही सिलेबल का बना हुआ हो, ठीक है, विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड और लास्ट में, यानी कि अंत में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो, जैसे सैड, तो क्या हम क्या करते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो डबल्ड हो जाता है, लाइक सैड, सैडर, सैडेस्ट, यानी कि डबल डी हो जाएगा, सैड लास्ट में डी है और उससे पहले वोवेल है, ठीक है, तो डी जो है डबल डी में बदल जाएगा, सैड, सैडर, सैडेस्ट, डबल डी। इसी तरह से थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है, ये रूल्स को आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको जस्ट ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, आप अपने इसको माइंड में जो इसको बिठा लीजिए। उसके बाद फॉर एडजेक्टिव्स विद मोर देन टू सिलेबल्स, वैसे एडजेक्टिव्स जिसमें दो से अधिक सिलेबल हो, जैसे इन, इंटरेस्टिंग, ये तीन सिलेबल का है, वंडरफुल, ये भी तीन सिलेबल का है, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग में इसमें क्या करेंगे, इस तरह के अगर ज्यादा अगर होगा, दो सिलेबल से अगर अधिक होगा तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं, कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए मोर उस वर्ड से पहले यूज करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस वर्ड से पहले मोस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, ठीक है, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, इस तरीके से हम इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट रूल ध्यान से सुनिए, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स मेंशन्ड अबव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिन्हें हम इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको चेंज करने के नियम बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, इसका कोई अगर देखा जाए तो एज सच कोई नियम नहीं है, ठीक है, ऊपर में कोई भी रूल दिया गया है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें से कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वॉस, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, नाइस, नहीं ये तो अलग हो गया, फिर है फार, फार, फार्दर या फर्दर भी हो सकता है, फार का दो 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 कॉम्पेरेटिव फॉर्म होता है और इसका सुपरलेटिव फॉर्म भी दो होता है, ठीक है, फार, फार्दर, फार्देस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, ठीक है, इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं। उसके बाद है सिलेबल, सिलेबल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, अ सिलेबल इज द वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज ओनली वन वोवेल साउंड, यानी कि सिलेबल वह वर्ड होता है या वर्ड का वह अंश होता है, वह भाग होता है जिसमें एक ही वोवेल साउंड होता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स, द वर्ड हार्ड हैज वन सिलेबल, हार्ट जो एक वर्ड है ये एक ही सिलेबल का बना हुआ है तो इसमें एक ही वोवेल आप देख सकते हैं। उसके बाद है इजी, हैज टू सिलेबल्स, इजी में ई जी, ठीक है, इजी, तो ये दो सिलेबल से बना हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं ई अलग है, ई और ए दो अलग अलग वोवेल्स हैं, दोनों अलग अलग सिलेबल्स के। वंडरफुल हैज थ्री सिलेबल, वन डर फुल, ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग
दिया हुआ है। आप देख सकते हो वन में ओ, डर में ई और फुल में यू, एक एक वॉवेल तीनों सिलेबल्स में दिए गए हैं। चलिए तो इसके बाद एक्सरसाइजेस करना है। तो इसको आप लोग करके आइएगा कल, ठीक है, टुमारो इसको मिटा लिया जाए। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी समय।